दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष बंसाली और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। दोस्तों शंका कैसे पैदा होती है, कैसे पैदा होती है? एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा कि तुम्हें डिलीवरी हुई, तुम्हें बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने कुछ तोहफा दिया? सहेली ने कहा कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? लफ्जों का यह जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम को उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। दोनों में झगड़ा होने लगा, एक दूसरे को लानतें करी, मारपीट हुई और आखिर में पति पत्नी में तलाक हो गया। जानते प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? उस फिजूल के जुमले से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। ऐसे ही रवि ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहां काम करते हो? पवन ने कहा फलाना दुकान में। रवि ने कहा कितनी तनख्वाह देता है तुम्हारा मालिक? पवन ने कहा 18,000 रुपए। रवि ने कहा 18,000 रुपए बस? जिंदगी तुम्हारी कैसे कटती है इतने से पैसों से? पवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस यार क्या बताऊं। और इसके बाद मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद पवन अपने काम से बेरुखा सा हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड करने लगा, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। पवन ने नौकरी छोड़ दी और वो बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब उसके पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहते थे, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है क्या? उन्होंने कहा, भाई वो अपने काम में व्यस्त रहता है, उसके काम का शेड्यूल जो है वो बड़ा सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं अपने, उसे बहुत कम समय मिल पाता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई, तुमने भाई उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब उसको बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता है और वो भी आपसे, ये तो भाई ना मिलने का बहाना है। बस इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। अब बेटा जब भी मिलने आता तो वो यही सोचते रहते कि इसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। दोस्तों याद रखिए, जुबान से निकले शब्द एक दूसरे पर गहरा असर डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतानी बोल निकलते हैं, जहर निकलता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम से लगते हैं, जैसे तुमने ये क्यों नहीं की, जैसे तुमने ये क्यों नहीं खरीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकते हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलबी फिजूल के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम किसी से भी पूछ बैठते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवाल सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में जो भी टेंशन होती है या जो होती जा रही है, उनकी जड़ तक अगर हम पहुंचे तो अक्सर उसके पीछे आपको किसी तीसरे का ही हाथ मिलेगा। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। इसलिए ऐसी हवा फैलाने वाले न बने और न ऐसे लोगों की सुने। लोगों के घरों में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगे बनकर निकलो। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए और कभी खुद से भी मिला कीजिए। अब दीजिए अपने साथी निमिष भंसाली को इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।